हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा मसाला। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब रेसिपी है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 200 ग्राम छोटे वाले राजमा। आप कोई भी राजमा ले सकते हो। तो राजमा को मैंने रात भर भिगो दिया था, अब ये फूल चुके हैं। भिगोने की वजह से राजमा आसानी से गल जाते हैं और ये वाले राजमा बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें उबालने के लिए रख देती हूँ। तो राजमा को उबालने के लिए मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ पानी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिससे राजमा उबलते समय उसमें उसकी खुशबू और स्वाद दोनों आ जाए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को कूट के दाने अलग करके डाले हैं मैंने। अब कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पे चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तो जब तक राजमा उबल रहे हैं, 4 से 5 सीटी का वेट करते हैं और तब तक ग्रेवी स्टार्ट करती हूँ। ग्रेवी के लिए कढ़ाई में तेल डाल लिया है मैंने। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला है 5 चम्मच सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल यूज करते हो तो पहले इसे अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तक इसमें धुआं ना निकलने लग जाए। जब इसमें धुआं निकल जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है और तेल को ठंडा होने देना है, क्योंकि अगर हम तेल को नहीं पकाएंगे तो उसकी महक मसालों में आ जाएगी और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्च, 3-4 छोटे टुकड़े अदरक के, 5 लहसुन के टुकड़े और 2 मीडियम साइज प्याज। प्याज अदरक लहसुन को जार में डाल लिया है मैंने पीसने के लिए। पीसते समय थोड़ा सा पानी डालना है। ये देखिए एकदम बारीक पीस गया है। अब टमाटर और मिर्चों को जार में डाल लिया है मैंने पीसने के लिए, इसका भी बारीक पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए इसको भी एकदम महीन पीस लिया है मैंने। अब गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, तेल को हल्का गर्म करना है। देखिए राजमा बिल्कुल गल गए हैं। तेल हल्का गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें प्याज लहसुन और अदरक को पीसा था वो डाल दे रही हूँ। इसको डालने के बाद इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए। ये देखिए इस तरीके से, और इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। अगर हम पहले इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे तो प्याज का कच्चापन नहीं जाएगा। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका। अब इसमें मैं टमाटर और मिर्चा जो मैंने पीस के रखी थी वो डाल रही हूँ। इसको भी डाल के हिलाते रहना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि ये जल ना जाए। थोड़ी देर तक इसको भी पकाएंगे कि जो प्याज है वो अच्छे से टमाटर में मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च। आप मिर्चा कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मिर्चा हम पहले भी डाल चुके हैं टमाटर को पीसते समय। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच नमक। नमक मैंने राजमा उबालते समय नहीं डाला था, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद अब इन्हें अच्छे से हिलाना है कि ये टमाटर में मिक्स हो जाए। थोड़ी देर तक इसको इसी तरीके से हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे जले ना, और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के बराबर, और पानी जिसमें मैंने राजमा उबाले थे वही पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसे मैं इसी तरीके से थोड़ी देर तक हिलाऊंगी। और गैस का फ्लेम लो करके थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, इट मींस कि मसाला पक चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 नींबू का रस,
नींबू का रस डालने के बाद मसाले को मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर तक पकाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि मसाला नीचे चपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, आधे कप के बराबर। पानी डालने के बाद इसको इसी तरीके से हिलाना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए, आपको दिखाती हूँ ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें मैं डालूंगी उबले हुए राजमा। राजमा डालने के बाद राजमा को इसमें थोड़ी देर तक पकाना है। अभी इसमें पानी ऐड नहीं करना है और अपनी सर्विंग स्पून या करछी की मदद से थोड़े से राजमा को हल्का हल्का करके प्रेस करना है। सारे राजमा मैंने डाल दिए हैं, उसको थोड़ी देर तक हिलाऊंगी कि ये मसाले में मिक्स हो जाए। इस तरीके से आधे मिनट तक मिलाना है। ये देखिए राजमा मिक्स हो चुके हैं मसाले में, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। जिसमें मैंने राजमा उबाले थे वही पानी यूज़ कर रही हूँ, सारा पानी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी अगर ज़रूरत होगी तो। पानी डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। एक उबाला आने देख हम वेट करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम मैं लो कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी इसमें एक उबाला आ जाए। देखिए उबाला आ गया है राजमा में, जो ग्रेवी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ज़्यादा थिक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी है तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो राजमा बनकर रेडी है, अब इसमें मैं निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और उतने ही खाने में टेस्टी हैं। राजमा को सर्विंग बाउल में मैंने डाल दिया है। अब गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल रही हूँ कटा हुआ धनिया। तो फाइनली बनकर रेडी है हमारा राजमा मसाला। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। आप इसको चावल के साथ, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, जिसके साथ आपको पसंद हो बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी अच्छी रेसिपी बनी है हमारी मसाला राजमा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे अनु सत श्री अकाल।